अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 10 मिनट में बन जाने वाला ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, मैगी एग ऑमलेट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हमने लिया हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, धनिया पत्ती, अदरक, मैगी नूडल्स, चावल का आटा और अंडा, जो कि 3 अंडा है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप बिना चावल का आटे का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डालना है 2 स्पून चावल का आटा, आधा क्वांटिटी में प्याज, धनिया पत्ती, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, आधा आधा क्वांटिटी सबका डालेंगे और आधा हम बचा के रखें और नमक आधा हम बचा के रखेंगे, उसे हम मैगी में डालेंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे, हमें इसे बहुत अच्छे से फेंटना है बिल्कुल फ्लफी होने तक। अब ये हो गया है तो इसमें हम डालेंगे सूखा मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इधर एक सॉस पैन में या किसी में भी आप पानी चढ़ाएं, इसमें हम मैगी उबालेंगे। तो यहाँ पे मैगी मसाला हमने डाला है 2 टेबल स्पून और बाकी मसाला जो हमारा बचा हुआ था चॉप किया हुआ, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, वो सब हम डाल देंगे इसमें। इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गया है तो अब हम इसमें मैगी नूडल्स डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि हमने बैटर में भी डाला है तो इसमें, और मैगी मसाला में भी नमक होता है तो अपने अनुसार ध्यान से नमक डालें, थोड़ा कम ही डालें। ये देखिए हमारा मैगी अब पकने ही वाला है। ये हो गया है तब इसे उतार के हम इसमें बचा हुआ धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। इधर हमारा तवा भी गर्म हो गया है, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है और इसमें हम अपना ऑमलेट के लिए बैटर डाल देंगे। इसे चेक कर लेंगे, ये अंदर से जब थोड़ा सा सिक जाए तो इसमें हम मैगी डाल के पलट लेंगे। ये अब सिक गया है नीचे से तो हम इसमें हम अब मैगी डालते हैं, मैगी नूडल्स जो हमने पकाया था। इसे अच्छे से फैला लेंगे और दूसरे से पलट के बस थोड़ा कुछ सेकंड तक पका लेंगे इसे। ये भी हेवी है तो इसे आराम से निकालें, आराम आराम से। ये देखिए हमारा मैगी एक ऑमलेट बनके तैयार है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।